हेलो एंड वेलकम। यहाँ पर हम इजी ऑटो फोर सॉफ्टवेयर के थ्रू देखेंगे कि एक्सेल से डेटा किस तरह से टैली में इंपोर्ट किया जाए, जैसे कि सेल्स या एक्सपेंस या किसी भी टाइप का आपका डेटा है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में रहे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक्सपेंस का डेटा है, ये अगर आपको इम्पोर्ट करवाना है, या आपके पास में कोई और सेल्स का डेटा है जैसे कि जी एस टी सेल्स है, ये अलग फॉर्मेट है, इसका डेटा आपको इम्पोर्ट करवाना है, या आपके पास में और कोई फॉर्मेट है जैसे कि ये वाला फॉर्मेट है, इस तरह का डेटा इंपोर्ट करवाना है, ये जीएसटी सेल्स है, और आपके पास में और कोई डेटा है जैसे कि ये एक फॉर्मेट हो गया कॉलमर फॉर्मेट इसको कहते हैं, ये वैट वाला फॉर्मेट है, तो आपको ये डेटा इंपोर्ट करना है। ये इजी ऑटो फोर सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से इंपोर्ट किया जाएगा, इसका हम प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हमने टैली ओपन कर लेनी है। यहाँ पर देखिएगा, ये टैली ओपन किया हुआ है, इसमें आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली है। मैंने यहाँ पर न्यू कंपनी बनाया है जिसमें हमको डेमो ट्राई करना है। टैली में चेक करना है कि आपका ODBC सर्वर रनिंग चल रहा है। ये सर्वर 9999 तक आप चाहे जो रख सकते हो, बट यहाँ पर ये ODBC सर्वर दिखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप इजी ऑटो फोर को मैं आते रहूँ, आपने इजी ऑटो फोर चालू किया है, यहाँ पर आ गए। F1 करने से टैली में जो कंपनी खुला हुआ है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, इसको हमने सेलेक्ट किया। ये मेन मेन्यू है इजी ऑटो फोर सॉफ्टवेयर का। यहाँ से हम जाएंगे एक्सेल की टैली में। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको कॉलमनर वॉच रजिस्टर से डेटा इंपोर्ट करना है या बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करवानी है, इसमें से आप चाहे जो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा कॉलमनर वॉच रजिस्टर। यहाँ पर आके मैं यूज टेबलेट में क्लिक करूँगा तो ये एक एक्सेल में फॉर्मेट ओपन कर देता है। ये फॉर्मेट है, अभी ये जो फॉर्मेट है इजी ऑटो फोर का कॉलमनर वॉच रजिस्टर टेम्पलेट इसको कहते हैं। अब ये वाला फॉर्मेट और आपका फॉर्मेट ये डिफरेंट हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपका डेटा हमारे इस फॉर्मेट में चाहिए, आपका डेटा आपके फॉर्मेट से कॉपी पेस्ट करवा सकते हो या मैपिंग करा के इम्पोर्ट किया जा सकता है, दोनों भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर मैपिंग वाला ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर हम सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग्स में अभी देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस हमको इनेबल डिसेबल करना है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाउ मेनी कॉलम्स। अभी हाउ मेनी कॉलम्स मतलब क्या है, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि तीन कॉलम हम देख रहे हैं, जैसे कि कैश लिखा हुआ, बैंक लिखा हुआ है। हम यहाँ पर ये कॉलम काउंट करते हैं जिसमें वैल्यूज़ आती है, अमाउंट जिसमें आती है, सिर्फ वही कॉलम को हम हाउ मेनी कॉलम्स में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉलम्स को हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये जो ग्रीन सेल है आप जो देख रहे हो, यहाँ पर कैश लिखा हुआ, बैंक वन लिखा हुआ, बैंक टू लिखा हुआ है, आपके हिसाब से इसको जो भी नाम देना दे सकते हो। वैसे कि हमने यहाँ पे जो फॉर्मेट देखा है, हमको एंट्री जो इंपोर्ट करनी है एक्सपेंस की, जैसे ये वाला, ठीक है, तो इसमें तीन कॉलम हमारे दिए हुए हैं, जैसे कि कैश में अमाउंट आ रहा है, बैंक वा भी, अगर इसमें कोई इसमें तो वैल्यू नहीं है, अगर रहती तो हम ये भी ले सकते थे। बेसिकली हम ये तीन कॉलम काउंट करते हैं जिसमें अमाउंट आती है, डेट और ये पर्टिकुलर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए स्टैंडर्ड कॉलम्स अवेलेबल है ऑलरेडी, तो हमको वो काउंट नहीं करना होता है। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या है, शो रेफरेंस नंबर। टैली में अगर आप सेल्स का एंट्रीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको रेफरेंस नंबर या इनवॉइस नंबर आप जिसको बोलते हैं उसको यस नो कर सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट तो आप यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। सेम अगर आप टैली में वाउचर नंबर अगर यहाँ से इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो वाउचर नंबर को यस नो कर सकते हो, यहाँ पर वाउचर नंबर की ज़रूरत नहीं है। नरेशन आपको चाहिए तो आप नरेशन को यहाँ पर यस नो कर सकते हो, मैंने नो कर दिया यहाँ पर नरेशन को। वाउचर मोड, अब यहाँ पर अलग अलग तरह के वाउचर मोड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉन्ट्रा, जर्नल, परचेज, पेमेंट, तो यहाँ पर हमने पेमेंट एक्स मोड ले लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री, अभी हमको इन्वेंट्री की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब ये पेमेंट से रिलेटेड में बाकी कोई हमको चीज़ यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपके एक्सेल शीट से मैपिंग करा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर यह फाइल को अरेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने से आपको एक विंडो आ जाता है जिससे आपका फाइल जहाँ पे रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करके आप अरेंज करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, मैं यहाँ पे सिर्फ अरेंज में क्लिक करूँगा। अरेंज में क्लिक करने से यहाँ पर यह फाइल खुल गया है। अब इसमें आप देखिएगा कि ये शीट को तो हमको इम्पोर्ट करना है, पेमेंट EXP ये वाला शीट, मैंने शीट यहाँ पर सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हमने सोर्स शीट नेम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर शीट नेम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सोर्स स्टार्टिंग रो नंबर, मतलब कि आपके एक्सेल शीट में डेटा कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पर हमको लिखना होता है।
तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 9 में हेडिंग आ रही है और 10 से डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने उसको 10 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमको कितनी रो तक इंपोर्ट करना है डेटा, तो 10 से यहाँ पर 25 तक है, तो मैं यहाँ पर इसको 25 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये एक्सेल शीट में हमने डेटा का सोर्स सिलेक्ट कर लिया, सोर्स शीट नेम सेलेक्ट कर लिया, एंडिंग रोल नंबर डाल दिया हमने, सब कुछ डाल दिया। अब यहाँ पे सिर्फ कौन से कॉलम से क्या वैल्यू हमको पिकअप करनी है इजी ऑटो 4 के टेम्पलेट में, वो हम यहाँ पे मैपिंग कराएंगे। अभी देखिए जैसे कि ये डेट वाला कॉलम है ऊपर, ये रोल नंबर 4 पे हम आप मैपिंग करा सकते हो। जैसे डेट, अभी यहाँ पर डेट आई में लिखी हुई, तो यहाँ पर हम उसको आई लिख देंगे। रेफरेंस नंबर नहीं लेना है, वाउचर नंबर नहीं लेना है, हमने उसको स्किप कर दिया। पर्टिकुलर के वाले कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ पर हमने के लिख दिया। यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम है, अब देखोगे कि कैश, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, मैंने कैश लिख दिया, ठीक है। बट अगर आप चाहते थे कि एज इट इज़ ये चाहिए हमको, तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ एज अ वैल्यू, और मैं नीचे नाम लिख दूंगा कि कैश कहाँ से लेना है, एल कॉलम से लेना है, बैंक एस बी आई बैंक हमको एम कॉलम से लेना है, और एक्सिस बैंक का वैल्यू एन कॉलम से यहाँ पर हमने लिख दिया है, बाकी की हम कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा सारा सेटिंग होने के बाद में से इंपोर्ट टू एंट्री शीट में क्लिक करना है, यस कर दिया हमने इसको, तो अभी आपकी ओरिजिनल शीट से डेटा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने पूरा डेटा आ गया है, यहाँ पर आपको टोटल दिख जाएगा उसका कि टोटल सारा टोटल मतलब बैंक्स वगैरह का मिला यहाँ पर देख सकते हो। आपको अगर कॉलम वाइज टोटल देखनी है तो उसी हेड के ऊपर में उसका टोटल आता है। अभी दोनों बैंक्स में कोई वैल्यू नहीं है, इसके ऊपर में डैश आया, जीरो आया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आप जनरेट एंट्रीज में क्लिक करोगे, सेव एंड जनरेट एंट्रीज में, तो ये फाइल प्रोसेस कर देगा एडिम इंपोर्ट करवाने के लिए। ये प्रोसेस बता रहा है कि क्या प्रोसेस करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है। हमने इसको ओके कर दिया, ये सॉफ्टवेयर में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर आके हमको सिर्फ रिफ्रेश एंट्रीज में क्लिक करना है, तो बता रहा है कि 3 कॉलम्स की एंट्री इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। जैसे कि हमें 3 कॉलम्स मतलब कि कैश बैंक एस बी आई बैंक एक्सिस, वो 3 कॉलम्स काउंट कर रहा है वो। यहाँ पर एक्सेल से टोटल 16 एंट्रीज इंपोर्ट हुई है और 16 नए एड्रेस टैली में बने, यहाँ पर बता रहा है प्रोसेस में। अभी टैली में हमने पूरा नया कंपनी बनाया है, टोटल न्यू है, नो एंट्रीज, और यहाँ पर अकाउंट लेजर डिस्प्ले नो लेजर्स, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एंट्रीज दिख रही है आपको, और नए लेजर्स जो बनने वाले वो यहाँ पर दिख रहे हैं। आप यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ लेजर्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कौन से लेजर्स बन जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करना है, तो आप एक्सेल में दोबारा से करेक्शन करके जनरेट करा के इसको रिफ्रेश करवा सकते हो। अभी यहाँ पर हमको कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको बुक में क्लिक करेंगे, तो जो लेजर्स अवेलेबल नहीं है वो लेजर्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हम एक्सपेंस की एंट्रीज इंपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर ग्रुप जो दिख रहा है कि जो लेजर्स बनने हैं एक्सपेंस के, वो बनने हैं एक्सपेंसेस के अंदर में, बट यहाँ पर सैलरी क्रेडिटर्स दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको नो कर देता हूँ। क्यों इसलिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसका ग्रुप सही से सिलेक्शन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे शो ग्रुप्स में जाता हूँ मैं, तो ये जो नए लेजर्स बनेंगे, देखिएगा ये जो नए लेजर्स बनेंगे, ये कौन से ग्रुप के अंदर बनना चाहिए, उसका ग्रुप सिलेक्शन यहाँ पर होता है। अब ये सारा के सारा एक्सपेंसेस में जाना है, तो हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब टैली में कैश ऑडिट रहता है, बैंक जो बननी है वो बैंक, यहाँ पर हमको उसका सेलेक्ट करना होगा बैंक, तो यहाँ पर मैंने बैंक ले लिया, बैंक अकाउंट, और यहाँ पे भी हमने ले लिया बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हमको सिर्फ दोबारा से सिर्फ सेव एंड जनरेट में क्लिक करेंगे हम लोग, ये जनरेट हो गया। यहाँ पे हम इसको अगेन रिफ्रेश में क्लिक करेंगे, ओके एंट्रीज रिफ्रेश हो गई है। मैं बुक में क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर इसका ग्रुप करेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि कैश का लेजर उसने यहाँ पर हमको नहीं दिखाया है, क्योंकि कैश जो है टैली में ऑलरेडी बना हुआ है और वो लेजर यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो सेम लेजर अगर रहेगा तो उसको स्किप कर देता है, यहाँ पे आपको नए लिस्ट में नहीं दिखाएगा। मैं इसको यस कर देता हूँ, तो जो लेजर्स नहीं है पहले लेजर्स पोस्ट हो जाएंगे, फिर एंट्रीज पोस्ट होगी। ओके ये लेजर पोस्टिंग हो गई है, अगर हम देखेंगे टैली में तो आपके लेजर्स बन चुके हैं, एंट्रीज नहीं आई है अब तक। अब मैं इसको यस करता हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट किया है एंट्रीज पोस्टिंग के लिए। अभी एंट्री पोस्टिंग हो गया है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपका एंट्रीज टैली में आ चुका है, यहाँ पे पीएनएल में आ गया आप लोग, ये देखिए सारा एंट्रीज यहाँ पे आ गया है। इस तरह से आप ये एंट्रीज इंपोर्ट करा सकते हैं। अभी हमने जो देखा है ये
सेल्स किया पेमेंट के लिए देखा है। अभी इसी टेम्पलेट के थ्रू अगर आपको सेल्स का डेटा इंपोर्ट करना है या कोई और डेटा इंपोर्ट करना है तो वो किस तरह से किया जाएगा वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको क्लियर शीट में क्लिक कर देंगे तो इसमें जो पुराना जो डेटा था वो सारा क्लियर हो जाएगा और फिर हम नया डेटा आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डेटा यहाँ पर ट्राई करेंगे सेल्स के लिए जो हमको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे कॉलम्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं, जैसे कि अमाउंट वाले कॉलम्स हैं कितने हैं कॉलम्स। तो यहाँ पर टोटल कॉलम्स आ रहे हैं 36। ठीक है, तो 36 कॉलम्स है और आगे के जो भी कॉलम्स है उसको हम नहीं काउंट करेंगे, जैसे कि ये स्टॉक लेक स्टॉक नेम के लिए है या तो फिर कंसाइनिंग डिटेल्स जीएसटी के लिए या बाय डिटेल्स जीएसटी के लिए। ये कॉलम्स के लिए ऑलरेडी कॉलम्स प्रोवाइड किए हुए हैं तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसको यहाँ से हम टेम्पलेट में आते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं यहाँ पर दोबारा से, तो टोटल हमको 36 कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉलम्स बढ़ा लोगे अप टू 36 कॉलम्स बढ़ा लिए हैं। आपको रेफरेंस नंबर चाहिए आप यस कर दोगे, वाउचर नंबर को यस करना है तो यस कर सकते हो, डायरेक्शन चाहिए तो उसको यस कर सकते हो। अब कौन सा मोड का एंट्री इंपोर्ट करना है, हमको यहाँ पर करना है सेल्स वाला, तो यहाँ पर मैंने सेल्स ले लिया। ठीक है, हमको इन्वेंट्री चाहिए तो हम उसको यस कर देंगे। स्टॉक के साथ में हमको एंट्रीज बुक करनी है, हमको क्रेडिट डेज लेना है या नहीं लेना है, कॉस्ट इंटरेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। अब बाकी की डिटेल्स यहाँ पर सेल्स से रिलेटेड नहीं है तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। अभी पहले वाले हमने प्रोसेस में जो पेमेंट का एंट्रीज इंपोर्ट करवाया था उसमें हमने डेटा मैपिंग यूज़ किया था, मैपिंग ऑप्शन यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन दिखा रहा हूँ जिसको हम किस तरह से आपके शीट से डेटा कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर हमने सारा सेटिंग कर लिया है, मतलब कि हाउ मेनी कॉलम्स वगैरह सारा बढ़ा दिया है। मैं गो टू एंट्री शीट में क्लिक करता हूँ, ये मेन शीट में आ गया। अब वहाँ से डेटा कॉपी पेस्ट किस तरह से किया जाएगा यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, ये शीट में आ जाता हूँ। अब इसमें एंट्री जो चालू हो रही है 3 से, जितना चाहिए मैं उतना कॉपी कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पर डेट में, डेट में डेट वाले कॉलम में डेट को पेस्ट कर दिया, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, रेफरेंस नंबर चाहिए हमको, यहाँ पे मैंने रेफरेंस नंबर कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल। और यहाँ पर वाउचर नंबर नहीं है, मैं इसी को वाउचर नंबर में ले लेता हूँ। पार्टी नेम यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल एज अ टेक्स्ट ले लिया। यहाँ पर जो कॉलम चाहिए था हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से आप ये हेडिंग्स कॉपी कर लोगे, इसका कितना हेडिंग्स आपको चाहिए, इतने सारे हेडिंग्स लिए हुए यहाँ पे हमने कॉलम्स को बढ़ाए थे 36 यहाँ तक। ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से टेम्पलेट में आगे। अब यहाँ पर जहाँ पे आप कैश देख रहे हो, ये जो ग्रीन सेल है यहाँ पर आप चाहे आपके हिसाब से कॉलम्स के नाम डाल सकते हो, या तो आपको जो अगर नया कंपनी बना रहे हो तो यहाँ पर जो भी हेडिंग्स आप अगर एक्सेल के थ्रू ही डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो। अब मैंने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल एज अ टेक्स्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग सारी कॉपी हो चुकी है। ओके, अब उस हेडिंग्स के नीचे की हमको वैल्यूज कॉपी करनी है, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ तक, इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम फिर से इसको पेस्ट कर देंगे एज अ वैल्यू। टेक्स्ट डाल दिया हमने इसको, पेस्ट स्पेशल में टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको हमने टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। नेक्स्ट कॉलम हमको क्या क्या लेने हैं, जैसे कि नरेशन है, अभी शीट में नरेशन तो नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टॉक और अलोकेशन वाला, तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पे स्टॉक डालना है हमको, तो यहाँ पर हमने स्टॉक नेम कॉपी कर लिया, फ़ोन और लैपटॉप दिया हुआ है, इसको स्टॉक में स्टॉक डाल दिया यहाँ पर पेस्ट स्पेशल करके। क्वांटिटी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एक दिया हुआ है दोनों में भी, यहाँ पर हम उसको टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वांटिटी डाल दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर अमाउंट का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर अमाउंट मतलब कि बेसिक अमाउंट, रेट इंटू क्वांटिटी वाला, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यह आ गया है। अभी आपको एक यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है अकाउंटिंग एलोकेशन, ये आपके एक्सेल शीट के अंदर से जो डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें आपके पास में मल्टीपल सेल्स लेजर्स हैं, मल्टीपल इन्वेंट्री है और आप चाहते हो कि वो एक ही बिल में अगर आपको रिफ्लेक्ट करवानी है मल्टीपल इनवॉइसेस, मल्टीपल इन्वेंट्री इन सिंगल बिल, तो यहाँ पर आपको डालना है इन्वेंट्री एलोकेशन, इसको हमने डाल दिया। हमको यहाँ पर GST डिटेल्स दिख रही हैं जो हमको इंपोर्ट करवानी है, अगर आप चाह रहे इसको डालना है तो आप डाल सकते हो। तो
तो ये जीएसटी डिटेल्स के अंदर में जो आगे कॉलम्स है, जैसे कि ये है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसको। ठीक है, सारा सेटिंग हो गया है। अब यहाँ पर मैं ग्रुपिंग जो है आपको अगर चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, बाकी ग्रुपिंग्स मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे तो बाद में से टैली में इसको अल्टर करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमको सिर्फ अभी जनरेट में क्लिक करना है, सेव एंड जनरेट एंट्रीज में। प्रोसेस हो गया, दोबारा से हम सॉफ्टवेयर में आ गए, यहाँ पे हम रिफ्रेश में क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि एक्सेल से जो डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं उसको अगर ऑटो रन करना है तो यहाँ पर आप उसको चेकमार्क कर सकते हो। कंबाइन आइटम्स मतलब कि एक इनवाइस के अंदर में सेम आइटम दो अलग अलग रेट्स के थ्रू आपने बेचा है और आप चाह रहे हो कि इसका कंबाइन होके एक ही क्वांटिटी आपको दिखे, तो इसलिए कंबाइन आइटम्स आप दे सकते हो। कंबाइन एंट्रीज एंड वाउचर नंबर मतलब कि एक बिल में अगर आपके मल्टीपल लाइन आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये सिंगल बिल है, ठीक है, इसका बिल नंबर कॉमन है, तो ये टैली में जब एंट्रीज बुक होगी तो ये दो रो मिला के एक एंट्री पोस्ट होगा। इसमें दो आइटम दिए हुए हैं, दो स्टॉक आइटम दिए हुए हैं, फ़ोन और लैपटॉप, तो ये इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है कंबाइन एंट्री एंड वाउचर नंबर। मैं यहाँ पर रिफ्रेश में क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्सेल से एंट्रीज को रिफ्रेश कर लेगा। यहाँ पर ये एक एंट्री बता रहा है और साथ नए लेजर्स बता रहा है, मैं इसको ओके किया। अब जो नए लेजर्स बनेंगे यहाँ पर आ गए हैं और जो नए स्टॉक आइटम्स बनेंगे वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब ये स्टॉक आइटम टैली में अवेलेबल नहीं है और ना ही लेजर्स अवेलेबल हैं। अभी हमको स्टॉक आइटम्स ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा, बट उसके लिए हमको यहाँ पर पहले यूनिट बनाना है। उसको मैंने सपोज पीसीएस में ले लिया। यहाँ पर एंट्री जो मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ ये नॉर्मल एंट्री इंपोर्ट करवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्टॉक आइटम जो है HSN कोड वगैरह के साथ में क्रिएट होना चाहिए, पूरा डिटेल्स के साथ में क्रिएट होना चाहिए, तो उसके लिए अलग ऑप्शन दिया हुआ है, उसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, वो आप रेफर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि किस तरह से स्टॉक आइटम HSN कोड के साथ में क्रिएट किया जाएगा। अब यूनिट बना लिया हमने टैली में, जस्ट हम बुक में क्लिक कर रहे हैं, तो ये जो यूनिट है यहाँ पे आप देख रहे हो पीसेस है, या तो आपको चेंज करना तो चेंज करा सकते हो। टैली में इसको मैंने यस किया, ये स्टॉक बन गया, अब लेजर्स बन जाएंगे और अब ये एंट्री बुक कर देगा। एंट्री बुक हो गया, हम टैली में जाएंगे। टैली में आने के बाद में से यहाँ पर हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल्स, यहाँ पे आपका एंट्री आ चुका है, ये एंट्री हमने ओपन किया जुलाई में, ये सिंगल एंट्री, ये आपका एंट्री आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं, जो भी आपका डेटा है कॉलम रो रजिस्टर के थ्रू हमने देखा है, दूसरे भी फॉर्मेट्स अवेलेबल है, बट ये मोस्ट कॉमन यूज़ होता है कॉलम रो रजिस्टर फॉर्मेट। तो हमने यहाँ पे अभी देखा किस तरह से हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।